वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम अद्वैत है और आज हम सीएन में फ्लो कंट्रोल इन डेटा लिंक लेयर के बारे में पढ़ने वाले। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्लो कंट्रोल बेसिकली क्यों यूज होता है डेटा लिंक लेयर में, पहले तो ये जानते हैं। फ्लो कंट्रोल क्या होता है कि समझो एक अपना सेंडर है, एक अपना रिसीवर है सिस्टम में। तो सेंडर एक पर्टिकुलर डेटा रेट से सेंड करता है रिसीवर को डेटा बिट्स। तो अगर अभी समझो सेंडर बहुत तेज स्पीड में रिसीवर को डेटा भेज रहा है, समझो ये 5 Mbps की स्पीड में भेज रहा है, पर रिसीवर एट अ टाइम 4 Mbps ही कैच कर पा रहा है, तो यहाँ पे डेटा ओवरफ्लो हो जाएगा। ओवरफ्लो इन द सेंस कि डेटा लॉस हो जाएगा, अपना डेटा लॉस्ट हो जाएगा। तो इससे कुछ फायदा हो रहा है क्या सेंडर के फास्ट भेजने से रिसीवर को? नहीं। तो हम एक मैकेनिज्म ऐसा यूज करेंगे कि सेंडर अगर फास्ट है रिसीवर से तो भी एक ऐसा डेटा रेट मेंटेन करे जिससे रिसीवर भी कंट्रोल कंफर्टेबल हो और अपना सेंडर भी। तो इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म को अपन बोलते हैं फ्लो कंट्रोल। तो फ्लो कंट्रोल में बेसिक एक अपना प्रोटोकॉल अपन ये यूज करते हैं कि सेंडर डेटा भेजेगा एक पर्टिकुलर रेट पे और हर एक डेटा हर एक फ्रेम के बाद रिसीवर उसको उस पर्टिकुलर का एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। तो ये अपना हो गया फ्लो कंट्रोल का। अभी इसमें दो टाइप होते हैं, एक होता है अपना स्टॉप एंड वेट और एक होता है स्लाइडिंग विंडो। तो एक एक करके अपन इसको जानते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने एग्जाम के लिए, तो ये दोनों का पढ़ना अपने को जरूरी है। तो ये फ्लो कंट्रोल समझ गया, अब ये दोनों देखते हैं स्टॉप एंड वेट और स्लाइडिंग विंडो। तो स्टार्ट करते हैं अपन स्टॉप एंड वेट से। तो ये है अपना स्टॉप एंड वेट मैकेनिज्म। तो अभी स्टॉप एंड वेट मैकेनिज्म क्या है, सिंपल जो अभी अपन ने फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म बताया वही है स्टॉप एंड वेट। तो स्टॉप एंड वेट क्या करता है, एक फ्रेम है उसको अपन ने ट्रांसमिट किया, तो ये यहां से देखो ये प्रोपोगेशन डिले, मतलब कि यहां से मैंने फ्रेम एक्चुअल में मेरा बिल्ड हो गया था, तो यहां से इसको पहुंचने में जितना टाइम लगा वो अपना प्रोपोगेशन डिले हुआ। यहां पे फर्स्ट बिट रिसीव हुआ रिसीवर को और होते होते लास्ट बिट रिसीव हो गया, उसके बाद वो जब पूरा फ्रेम मिल गया तो वो एक्नॉलेजमेंट बनाना चालू करेगा और उसको प्रोपोगेट करना चालू करेगा। तो यहां मेरे को एक्नॉलेजमेंट मिल गया, तो ये एक मेरा सक्सेसफुल सिनेरियो हो गया कि मैंने फ्रेम भेजा और मेरे को उसका एक्नॉलेजमेंट मिल गया। अब फ्रेम बनाने में जितना टाइम लगता है उसको अपन ट्रांसमिशन डिले बोलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो गया, ये है ट्रांसमिशन डिले। तो ये अपना हो गया एक बेसिक मैकेनिज्म कि हाँ ये सक्सेसफुल में ऐसा है। पर अगर समझो अपन ने फ्रेम भेज दिया पर एक्नॉलेजमेंट आया ही नहीं तो क्या, तो इसका सिचुएशन कब अराइज होता है स्टॉप एंड वेट में कि मैंने फ्रेम भेजा और मेरे को एक्नॉलेजमेंट नहीं आया। तो अभी अब ये सेंडर क्या करेगा इसके बाद कि वो पहले तो एक पर्टिकुलर टाइम आउट तक रुकेगा कि हाँ इतने टाइम तक मैं एक्नॉलेजमेंट एक्सपेक्ट कर सकता हूं। वो टाइम एक्सीड होने के बाद वो ये सोचेगा कि मेरे को एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, मतलब या तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो मेरा फ्रेम पहुंचने से पहले ही लॉस्ट हो गया कहीं तो चैनल में, या फिर एक्नॉलेजमेंट रिसीवर मतलब रिसीवर को फ्रेम तो मिल गया पर एक्नॉलेजमेंट भेजते वक्त एक्नॉलेजमेंट कहीं तो चैनल में लॉस्ट हो गया। तो इस चीज के लिए वो क्या करते हैं कि वापस वो री ट्रांसमिट करेगा उस पर्टिकुलर टाइम आउट के बाद, वो वापस ये फ्रेम को रीट्रांसमिट करेगा। तो अभी अगर रिसीवर के पास भी दो पॉसिबल वे, या तो उसको पहले भी फ्रेम मिल गया था, तो जब रिसीवर को वापस वही फ्रेम मिलेगा, अब वो कैसे जानेगा कि दोनों फ्रेम सेम है, एक पर्टिकुलर यूनिक सीक्वेंस आईडी देते हैं अपन हर फ्रेम को, तो इससे उसको पता चलेगा कि हाँ ये फ्रेम पहले भी आ चुका है। तो वो ये समझ जाएगा कि हाँ फ्रेम मतलब सेंडर को इसका एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला, तो वो वापस उस पर्टिकुलर फ्रेम का उसको एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। तो जब एक्नॉलेजमेंट भेज देगा तो वापस अपना सक्सेसफुल हो गया। तो ये तो पर्टिकुलर अपना हो गया स्टॉप एंड वेट, ठीक है। अब अगला देखते हैं जो है स्लाइडिंग विंडो। अब स्लाइडिंग विंडो थोड़ा सा अपन ने इजी बनाया है, यहाँ पे अपन ने कोशिश किया इजी बनाने का, तो आप जरा इसको थोड़ा ध्यान से देखो। स्टॉप एंड वेट जितना इजी नहीं है पर इजी है ये। तो अभी स्लाइडिंग विंडो का ये पर्टिकुलर है डायग्राम, ये डायग्राम आप नोट से भी रिफर कर सकते हो। अभी फिलहाल अपन इसके मैकेनिज्म पे जाते हैं। तो अभी पहली बात तो स्लाइडिंग विंडो है क्या, ये देखो यहाँ पे हर ये सेंडर साइड है और ये अपना रिसीवर साइड है। तो अभी सेंडर साइड पे क्या हो रहा है, ये एक डेटा बफर है, इस पे अपन एक विंडो का साइज डिक्लेयर कर रहे हैं। ये इमेजिनरी विंडो है, ऐसा कोई विंडो एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं है, पर ये एक इमेजिनरी अपन ने वेरिएबल साइज लिया है 4 का। तो 4 का अपना स्लाइडिंग विंडो का साइज है। तो ये अपने अंदर फ्रेम्स है, फ्रेम्स या पैकेट्स है, पैकेट नंबर 1, 2, 3 और 4। तो एट अ टाइम 4 पैकेट ये भेज सकता है रिसीवर को। ये अग्रीड अपॉन होता है दोनों का, सेंडर रिसीवर का, कि हाँ हम दोनों 4 साइज का स्लाइडिंग विंडो, दोनों के बीच में अग्रीमेंट होता है कि अपन 4 साइज का स्लाइडिंग विंडो रखेंगे, ठीक है। तो अभी ये बिफोर ट्रांसमिटिंग सिनेरियो है कि हाँ मेरा 4 पैकेट अंदर है और एक भी अभी तक ट्रांसमिट नहीं किया मैंने,
उसके बाद मैं ट्रांसमिट करूंगा 1 और 2, तो 1 और 2 मेरे विंडो से बाहर आ जाएगा, पर अभी मेरा विंडो 3 और 4 पे रुक जाएगा। विंडो का साइज 4 है पर यहाँ पे विंडो का साइज 2 है। क्यों है? क्योंकि अभी ये एक्नॉलेजमेंट के लिए रुका है कि जब मुझे एक्नॉलेजमेंट मिलेगा तब मैं फर्दर इस विंडो का साइज 2 बढ़ाऊंगा और 5-6 को अंदर लूंगा। तो ये 1-2 भेजा इसने रिसीवर को। अभी बिफोर रिसीविंग सिनेरियो क्या है, अभी तक इसको 1-2-3-4 में से कोई नहीं मिला। हाँ, अभी तुम लोग ये सोचोगे कि ये और ये सेम कैसे है, तो ये जो सेंडर है ये पूरे डेटा बफर का एक कॉपी उसको भेज के रखता है, तो ये दोनों मैच करते रहते हैं, एक तरह से रजिस्टर मेंटेन करते हैं दोनों पैकेट्स का। तो ये भी वही सीन है। तो बिफोर रिसीविंग का भी सिनारियो यही है कि 1-2-3-4 अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, तो जब उसने ट्रांसमिट करके इसको रिसीव हो गया तो ये भी 1 और 2 बाहर निकाल देगा और उसको एक्नॉलेजमेंट भेजने तक के लिए 3 और 4 को ही अंदर रखेगा। जब सक्सेसफुली वो दोनों को एक्नॉलेजमेंट भेज देगा तब वो 5 और 6 को अंदर लेगा और अपना विंडो स्लाइड होगा, इसलिए इसको बोलते हैं स्लाइडिंग विंडो। तो जब 1 और 2 का यहां से अपने को एक्नॉलेजमेंट जाएगा तब इसको 1 और 2 का एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा, तो फिर ये 3-4-5-6 आ जाएगा अपने स्लाइडिंग विंडो में और फिर से वही सिनारियो वापस होगा। पर इन केस इसने तो भेज दिया पर इसने इसको एक्नॉलेजमेंट नहीं भेज पाया, तो क्या होगा, ये वापस राइट बैक होगा और वापस ये ऐसे ही हो जाएगा, 1-2 अंदर आ जाएगा क्योंकि एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला है, 1-2 अंदर आ जाएगा और फिर से ये ट्रांसमिट करेगा। बट इन केस इसको 1-2 मिल गया था पर इसका एक्नॉलेजमेंट पहुंचा नहीं क्योंकि एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो गया, तो ये क्या करेगा, वापस से जैसे स्टॉप एंड वेट में कैसा वो रिट्रांसमिट कर रहा था उसी चीज को वापस करेगा और फिर इसको पता चल जाएगा कि हाँ चल इसको मिल गया है। और सेम मैकेनिज्म से, बस इसमें क्या यूज कर रहे हैं अपन, एक स्लाइडिंग विंडो यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एट अ टाइम अपन 4 फ्रेम भेज रहे हैं। स्टॉप एंड वेट में कैसा हो रहा था, एट अ टाइम एक ही भेज रहे थे, पर इधर अपन एक विंडो साइज डिसाइड करके 4 भी एक साथ भेज सकते। तो ये हो गया अपना स्लाइडिंग विंडो मैकेनिज्म। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी देखो ये तो मैंने समझा दिया, पर नोट्स लगेंगे आपको एग्जाम में लिखने के लिए, तो नोट्स आप कैसे पा सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन दिया है, डिस्क्रिप्शन लिंक में, तो देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, थैंक यू।